हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो ये स्वर्ग और नरक की कहानी सुनते हो, इसमें क्या सुनते हो? नरक में आग होती है, चीख पुकार होती है, लोगों को जिंदा जला दिया जाता है ना, तो ये चीज़ें हमारी धरती पे। एक मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे जोगी नाम की, उसमें ये सारी चीज़ें हकीकत में दिखाई गई है। दिल्ली के कुछ लोग जो सिखों को जिंदा जला देते हैं, उनके दुकानें कारोबार सारा ख़त्म कर देते हैं, ये इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है। तो नर्क में अगर राक्षस होते हैं तो कुछ देवता लोग भी होते हैं, तो वो उन देवता के हाथ में 100-150 लोगों की जान होती है जिनको वो बचाते हैं। और आपने दिलजीत सर को हमेशा हंसी मजाक यही मूवी देखी होगी कि वो हमेशा मतलब फनी मूवी बनाते हैं, बट इसमें उन्होंने बहुत ही इमोशनल रोल किया है और बहुत ही अच्छा रोल किया है। तो कहानी आधारित है सच्ची घटना पे, शायद हुआ होगा कभी, मतलब 40 साल पहले हुआ था, मूवी में ये दिखाया गया है। और सिख लोगों को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मानहानि हुई थी, तो इसलिए दिखाई गई है ये मूवी। अगर राक्षस हैं तो देवता भी हैं, ठीक है? तो देवता इसमें दिलजीत सर हैं जो लोगों की जान बचाते हैं अपनी जान पे खेल के। अगर आप लोग सोचते हो कि इसमें कॉमेडी होएगी या कुछ रोमांटिक सीन होएंगे या फाइटिंग होएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होएगा, तब आप मत देखना इस चीज़ को। बट अगर आप हाँ रियल बेस्ड स्टोरी पे विश्वास रखते हो तो इस मूवी को ज़रूर देखें। क्लाइमेक्स के बाद आप थोड़ा सोचोगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी है। और अगर मेरी रेटिंग मैं दूं तो मैं 5 में से 4 दूंगी, क्योंकि मुझे अच्छी लगी मूवी और इसमें फ्रेंडशिप के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा संदेश दिया गया है कि आप अपने दोस्तों की हेल्प कैसे कर सकते हो, हर टाइम उनके साथ रह के उनको किसी भी तरह सपोर्ट कर सकते हो। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, नो मैटर। तो इसमें दोस्ती की भी बहुत ज़्यादा अच्छी मिसाल दी गई है, तो मेरे हिसाब से तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। और थैंक यू सो मच, और मुझे कमेंट करके बताना हाँ कि आपने मूवी देखी या नहीं देखी, देखी तो आपको कैसी लगी, और नहीं देखी तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। बाय बाय।